खुश आमदीद नाजरीन, शिरकत गाह की जानिब से प्रोग्राम हम कदम पार्टनर फॉर चेंज में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम कदम पार्टनर फॉर चेंज में आज हम मीडिया टॉक कर रहे हैं और आज हमारा जो उन्वान है बर्थ रजिस्ट्रेशन है और ख़ास तौर पर बच्चियों की बर्थ रजिस्ट्रेशन यानी लड़कियों का इंदराज करवाना, उनकी पैदाइश को गवर्नमेंट के महकमों में दर्ज करवाना। और इस सिलसिले में हम जब बातचीत का आगाज़ करते हैं, हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं जो आज शिरकत गाह के इस प्लेटफॉर्म से बात करेंगे। शिरकत गाह के हवाले से आपको बताते चलें कि शिरकत गाह एक गैर सरकारी गैर मुनाफा बख्श इदारा है जो कि 1975 से काम कर रहा है और इस इदारे के अंदर 70 से ज़्यादा काबिल पेशावर और अहम लोग हैं जो काम कर रहे हैं। ख़वातीन के हकूक पर ख़ास तौर पर यह इदारा काम करता है, उन्हें तशद्दुद से रहाई दिलाने में, उनको मुआशरे में बावकार मुकाम दिलाने में अहम किरदार अदा करता है। आइए अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले मेहमानों का आपके साथ तारुफ कराते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सर परवेज विक्टर, जिनका समाजी शोबे से बड़ा गहरा ताल्लुक है, आयना डेवलपमेंट फाउंडेशन के चेयरमैन हैं और ख़वातीन के लिए काम करते हैं। ख़वातीन को मुख्त शोबों में हुनरमंद बनाने के लिए इनका एक वसी किरदार है। अरसा दराज से ग्रीनटोन और गिरदनवा की बहुत सारी लड़कियों को ये हुनरमंद बना चुके हैं मुख्त शोबों के अंदर। और इनके साथ साथ हमारे साथ शहबाज मुगल साहब मौजूद हैं जो कि लाहौर में सोशल एक्टिविस्ट हैं, ह्यूमन राइट्स डिफेंडर हैं, यूथ पर ख़ास तौर पर फोकस करते हैं, उनको हुनरमंद बनाने में, उनको रोज़गार दिलाने में को मोटिवेशन देते हैं। और इस तरफ हमारे साथ मौजूद हैं ख्वातीन के हवाले से बात करने के लिए ह्यूमन राइट्स डिफेंडर हमारे मौजूद हैं मिसेस सना काशिफ, और ये मुख्त प्रोजेक्ट्स में चानन के साथ भी काम करती हैं और शिरकत गाह के लिए भी फैसिलिटेटर का काम करती हैं। आइए अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आगाज़ करेंगे सर प्रवेश विक्टर साहब से। सर, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं शिरकत गाह के इस प्लेटफॉर्म में और इंतहाई आपके शुक्रगुजार हैं कि अपनी इंतहाई मसरूफियत के बावजूद आपने हमें टाइम दिया। सर, आप ख़वातीन के हकूक पर काम करते हैं, हमें ये बताइएगा कि बर्थ रजिस्ट्रेशन जो है ये क्यों ज़रूरी है? बहुत शुक्रिया जी काशिफ सुबह गिल और आपकी मिनिस्ट्री का, शिरकत गाह का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आपने आज इस जगह पर मदु किया कि हम कुछ गुफ्तगू कर सकें ख़वातीन के हवाले से, उनके बर्थ सर्टिफिकेट के हवाले से। तो मैं समझता हूँ कि बर्थ सर्टिफिकेट जो है ये सबसे पहले तो एक पहचान है, उस पैदाइश की तस्दीक है कि बच्चा बच्ची किस जगह पर पैदा हुए और किसके ये किसका बेटा है, किसकी बेटी है और किस शहर में इसकी पैदाइश हुई है। और ये एक पहचान है जो सबके लिए होनी चाहिए और जो लोग हैं जो इससे थोड़ा बेखबर हैं उनको ये पैगाम है कि ये ज़रूरी है कि वो सर्टिफिकेट जो ना वो बनवाएं ताकि जो बच्चे हैं उनकी तस्दीक हो और इस शहर के जो हैं वो मेंबर बने और इस शहर के शहर की पहचान बने। अच्छा, इसके जब कोई अपना बर्थ सर्टिफिकेट किसी का बन जाता है उससे उसे क्या इंफरादी तौर पर फ़ायदे होते हैं, उसकी शख्सी तौर पर क्या फ़ायदे हैं? हाँ देखें जी, मैं समझता हूँ कि उनके लिए जो फ़ायदे हैं क्योंकि आजकल हुकूमत पाकिस्तान ने बहुत सख्ती की हुई है, जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं होते वो उनके लिए थोड़ी मुश्किलात होती है। और शुरू में ही अगर बच्चे के हम डॉक्यूमेंट जो हैं वो पूरे करते हैं तो हमें स्कूल में दाखला आसानी से मिल जाता है और उसकी एजुकेशन में उसकी मदद होती है। और अगर कोई किसी जगह पर उसने नौकरी अप्लाई करनी होती है तो उसके लिए वो डॉक्यूमेंट जो हैं वो काम आते हैं। अगर ये नहीं होते, उसी के बेस पर फिर आईडी कार्ड बनता है, उसी की बेस पर आईडी कार्ड बनेगा क्योंकि जब आईडी कार्ड बनाने के लिए आप जाओगे तो वो पहले आपसे पूछेंगे कि आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो किधर है, अब बेफार्म है वो किधर है। अगर वो आप देते हो तो फिर आईडी कार्ड बनने में आसानी होती है और फौरी जो सारी मालूमात बर्थ सर्टिफिकेट में बेफार्म में होती है वो उनके पास पहुंच जाती है, आईडी कार्ड जो है वो आसानी से बन जाता है।
और इससे फिर आपको आईडी कार्ड से जगह जगह पर आपको फ़ायदे होते हैं। आप किसी भी जगह पे जाएं, मिसाल के तौर पे आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो उस जगह पर आईडी कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, तो आईडी कार्ड होगा तो वीज़ा जो है वो आसानी से आपको मिल जाएगा। नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले वो आपसे पूछते हैं कि आप क्या आपके पास आईडी कार्ड है। आईडी कार्ड बना होगा तो फिर वो आपको नौकरी भी मिल सकती है। अगर आपने किसी चीज़ का लाइसेंस बनवाना है तो उसके लिए भी वो आपसे पूछेंगे क्या आपके पास आईडी कार्ड है, तो आईडी कार्ड होगा तो फिर आपको वो लाइसेंस भी जारी हो जाएगा। तो इस तरह आईडी कार्ड जो है वो आजकल तो हुकूमत ने ये कानून बना दिया है कि वो हर वक्त आपके पास जो है आईडी कार्ड जो होना चाहिए। रास्ते में चलते हुए अगर ऐसी ऐसी एजेंसियां हैं, इदारे हैं, वो नज़र रखते हैं और वो आपसे पूछते हैं कि आप किस जगह से हो, आप कहां से आए हो, और फिर वो आपसे पूछते हैं कि क्या आपके पास आईडी कार्ड है। अगर आईडी कार्ड है तो उनको तसल्ली हो जाती है कि वाकई ये पाकिस्तान का रहने वाला है, पाकिस्तानी है, और अगर नहीं है तो फिर वो आपको थोड़ा सा मुश्किल में डालेंगे और फिर आपको आईडी कार्ड दे के अपनी जान जो है ना वो आपकी छूटेगी। और आईडी कार्ड से ही आप खरीदो फरोख्त करते हैं। मोबाइल लेना है, दुकान पे जाते हो, सबसे पहले कहेंगे आईडी कार्ड है, आईडी कार्ड है तो मोबाइल मिल जाएगा, अगर नहीं है तो नहीं मिलेगा। इस तरह ख़ानदानों में जो विरासत है, प्रॉपर्टी है, उनका जब लिखना हिस्से बांटे जाते हैं तो अगर आईडी कार्ड नहीं है तो फिर हम अपना हिस्सा भी खो देते हैं और उस जगह पर भी हमें आईडी कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। और आईडी कार्ड का होना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है हर किसी के पास, हर शख्स के पास, हर बेटे के पास, हर बेटी के पास। आईडी कार्ड के बगैर एजुकेशन भी आप हायर एजुकेशन हासिल नहीं कर सकते। सबसे पहले वो आपसे आईडी कार्ड मांगेंगे कि आपका आईडी कार्ड है तो फिर आपको किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन दाखिला मिल जाएगा। यानी पैदाइशी जो सर्टिफिकेट है इसी से सारा फिर सिलसिला शुरू होता है, इसी की बुनियाद पर 18 साल की उम्र में जाके बच्चे या बच्ची का आईडी कार्ड बनता है, उसे नौकरी मिलती है, उसे हायर एजुकेशन मिलती है, उसका लाइसेंस बनता है, वोट का इंदराज, क्या जितने भी काम इससे जुड़े हुए हैं। अगर अगर उसने सियासत में हिस्सा लेना है तो अगर आईडी कार्ड नहीं है तो वो कैसे सियासत में हिस्सा ले सकता है? बिल्कुल वो रह जाएगा, उसका जो शौक है वो पाया तकमील तक नहीं पहुंचेगा। और हुकूमत में आने के लिए, और मैं समझता हूँ कि आईडी कार्ड जो है ना ये सबसे पहला एक ऐसा आपके पास हथियार है जिससे आप किसी भी काम को शुरू करने के लिए आपको कामयाबी की तरफ बढ़ने के लिए वो आपको मदद दे सकते जी। अच्छा शुभाष मुगल साहब, जैसे सर प्रवेश विक्टर साहब रोशन डाल रहे थे कि पैदाइशी पर्ची या बर्थ सर्टिफिकेट बनाना बड़ा ज़रूरी है, इसी की बुनियाद पर इंसान के जो इनफरादी हकूक है उनकी हिफाजत है, वो अपने ख़ानदान का फ़र्द गिना जाता है, रियासत का शहरी गिना जाता है, अपने वालदैन की विरासत में से हिस्सा देता है, बेफाम बनवाता है, एजुकेशन, आईडी कार्ड, और आईडी कार्ड से फिर आगे वसी काम है जो उन्होंने बताया कि नौकरी, मुलाजमत, वीज़ा, पासपोर्ट, ETC, बहुत सारी चीज़ें उसी से वाबस्ता है। तो जब ये इतना अहम काम है तो आप हमें बताएं कि अब क्या देखते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या सूरत हाल है रजिस्ट्रेशन के हवाले से? काशिफ भाई, मैं आपका शुक्रगुजार हूं, आज आपने जो है वो शिरकत गाह के इस प्लेटफॉर्म से और हकीकी टेलीविज़न के प्लेटफॉर्म से आज मौका दिया है कि फिर से जो है वो इस मौजू पर हम बात कर सकें। सो मैं आपका शुक्रगुजार हूं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर हम दुनिया की बात करें, पूरी दुनिया की जो आबादी है वो करीबन 7 से 8 अरब के करीब है, और इसमें तमाम मुल्कों के जो अपने अपने कानून हैं उसके हिसाब से जो है वो बड़ा बेहतर तौर पर काम कर रहे हैं, और अपने मुल्क के अंदर जितने भी बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, जितने वो बचपन ही से पैदाइश के पहले दिन से अपने बच्चों को जो है वो रजिस्टर्ड करा रहे हैं। और आज अब देखें तो पूरी दुनिया में बहुत से ऐसे ममालिक हैं
जो हमसे करीबन करीबन 10-20 साल आगे होंगे, तरक्की उन्होंने की है क्योंकि उन्होंने अपने कानून की जो है वो पासदारी की है, अपने कानून के अंदर जो चीज़ें उन पर लागू की गई हैं उन पर इम्प्लीमेंट किया उन्होंने। और काशिफ भाई, मुल्क पाकिस्तान की हम लोग बात करते हैं तो ऑल ओवर पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 27% बच्चे जो है उनकी बर्थ सर्टिफिकेट से जो है वो रजिस्टर्ड हुए हैं, और इनमें इस 27% की शरह जो है इसमें से अगर हम देखें तो जो शहरी हैं उनकी 32% की शरह, और जो देही इलाकों में और देहातों के अंदर है उनकी सिर्फ 24% जो है वो उनकी ये शरह है जो कि रजिस्टर्ड हुए हैं बर्थ सर्टिफिकेट के। यानी पिछले इस सर्वे में कितने साल, पिछले 10 साल, 10 सालों में ये जो इतने बच्चे पैदा हुए उनमें से सिर्फ 27% दर्ज है। जी जी बिल्कुल, जो सर्वे 2010 में किया गया उसमें सिर्फ 27%, और अगर हम 2017 और 18 की बात करें तो ऑल ओवर पाकिस्तान में जो पंजाब है, पंजाब का जो हिस्सा था उसमें सिर्फ 70% जो है वो बच्चे जो है वो ऑल ओवर पंजाब के अंदर जो है वो रजिस्टर्ड हुए हैं बर्थ सर्टिफिकेट के हवाले से। और उसके अलावा अगर हम 70% में से देखें तो 57 जो है वो शहरी हैं, और जो करीबन करीबन कोई 30-32 के करीब है वो जो है वो देहाती इलाकों के अंदर है। और इसी तरह सिंध के अंदर 46% है, और इसी तरह जो बलूचिस्तान के अंदर है वो भी कोई करीब 40-46 के करीब है। तो ये मैं समझता हूँ कि अलमिया ये सोचने की बात है, जैसा कि अभी हमारे भाई ने बताया कि जब हम बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनाएंगे, पैदाइशी जो जो सर्टिफिकेट है वो नहीं बनाएंगे तो हम आगे जो स्कूल के अंदर हम दाखला नहीं ले सकते, हमारा आईडी कार्ड नहीं बन सकता, बिजनेस नहीं कर सकते, बहुत सी वजूहात है जो कि उसकी बुनियाद जो है वो ये बर्थ सर्टिफिकेट है। अच्छा, तो आप क्या सोचते हैं, ये आपने इतना अलमिया हमें बताया कि पाकिस्तान में इतने लोग निगलेक्ट है या इस कदर नज़रअंदाज इस चीज़ को क्यों कर पा रहे हैं, आखिर क्या वजूहत है कि इतना ज़रूरी डॉक्यूमेंट है बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है, और यूनियन काउंसिल तो हर दफातर है, घर से थोड़े थोड़े फासले पर हर जगह मौजूद है, तो फिर क्या वजह है कि आप क्या सोचते हैं कि जो आपका तजर्बे में से गुजरी कि लोग इतने अहम काम को क्यों नहीं कर पा रहे, क्यों ये रजिस्ट्रेशन इतनी कम है? काशिफ भाई, ये बड़ा ज़रूरी और अहम है, इसमें मैं समझता हूँ बहुत सी वजूहात हैं, कुछ अवेयरनेस की भी कमी है, कुछ इसमें इंसान की मौशी तौर पर गुर्बत भी इन्वॉल्व है इसके अंदर, और जो मेरी नज़र में सबसे अहम जो मैं इसको कंसीडर करता ना वो गवर्नमेंट का भी कुछ जो है वो इसमें जो किरदार है वो भी थोड़ा कमज़ोर है। पहले नंबर पर जब हम देखते हैं तो जब एक बच्चे की पैदाइश होती है तो हॉस्पिटल्स के खर्चे होते हैं, कुछ परेशानियां होती हैं बच्चों के खाने का, उसको ये दूध पिलाओ, ये उसके पैंपर का खर्चा, कुछ अखरा जाते हैं और लोग सिर्फ उसकी फिक्र और तरदत के अंदर रहते हैं और इस बात को सिर्फ थोड़ी सी नेगलिजेंसी दिखाते हैं कि हम लोग कर लेंगे, थोड़े दिनों बाद कर लेंगे, महीने बाद कर लेंगे, 2 महीनों के बाद, और इस बात को वो करते 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 आखिरकार भूल जाते हैं, तब याद आता है जब उनको ज़रूरत पड़ती है बर्थ सर्टिफिकेट की स्कूल के लिए या किसी और मकसद के लिए। इसी तरह जो मैंने बात की है गवर्नमेंट के हवाले से, तो जो हमारे नादरा के ऑफिस है वहाँ पर जाकर आप देखें कुछ तो फीसें भी ऐसी उन्होंने रखते हैं, अब थोड़ी कम की हैं, मैंने पिछले दिनों में देखा इधर फीसें भी कुछ ज़्यादा थी, और फिर कुछ डॉक्यूमेंटेशन इतनी ज़्यादा क्रिटिकल होती है जिसमें थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है पिछले 2-3 साल पहले मैं एक बच्चे का रह गया तो मैं उसका बनवाने के लिए गया तो उन्होंने फॉर्म दे दिया, ये आप कोर्ट जाएंगे वहाँ से आप एफिडेविट बनवाएंगे, ये फलां 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 डॉक्यूमेंट, वो उसमें करीबन 15-20 दिन सर्व हो गए, और फिर हमारे लोगों के पास इतना टाइम भी नहीं होता कि वो स्पेशली जो है छुट्टी करके या फुल डे या इस पर मेहनत करके सारे डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लीट करें और फिर से जाकर रजिस्टर्ड करवाएं बच्चे को, ये भी एक जो है वो बड़ी अहम बात है। तो और भी बहुत सी चीज़ें, कुछ अवेयरनेस की भी कमी है हमारी कम्यूनिटी के अंदर कि वो समझते नहीं कि इस सर्टिफिकेट की अहमियत क्या है, इससे हमारी शहरियत जो है वो भी ज़ाहर होती है, इससे हमारे पेरेंटली के इसके माँ बाप कौन है,
किस खानदान से बिलोंग करता है, जैसे अभी भाई ने बताया कि जैसे विरासत के लिए और वोट कास्टिंग के लिए, बिजनेस के लिए और जो है इंटरनेशनल, और बहुत से चार लेंगे बनवा लेंगे, इस अवेयरनेस से जो की कमी है, उनके पास शऊर नहीं है कि सर्टिफिकेट की अहमियत क्या है। जब अहमियत मालूम होगी तो फिर हम उसके लिए मेहनत करेंगे, तगड़ो करेंगे, तो ये खला, ये कमी पूरी होगी। जी, मजीद मालूमात के लिए या बातों की हम आपके तरफ दोबारा रुजू करते हैं। हमारे साथ मौजूद है मिसेस सना काशिफ, ह्यूमन राइट डिफेंडर हैं। आपको जैसे मैंने बताया कि चानन के साथ काम करती हैं, इसके साथ साथ शिरकत गाह के भी कुछ प्रोग्राम में एज ए फैसिलिटेटर काम करती हैं। जी मिसेस सना, आप हमें ये बताइएगा कि बर्थ सर्टिफिकेट खवातीन के लिए क्यों ज़रूरी है? काशिफ साहब, आपका शुक्रिया और शिरकत गाह का शुक्रिया कि जिन्होंने हमें मौका दिया कि हम यहाँ पर आकर पैदायशी पर्ची के बारे में कुछ लोगों को आगाह कर सकें। तो जैसे कि हमारे साथियों ने काफ़ी चीज़ें ऐसी बताई हैं जो पैदायशी पर्ची के हवाले से, कि जो उसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हमारे मुल्क की आबादी जो है वो 24 करोड़ है, लेकिन उसमें ख्वातीन की जो तादाद है वो मर्दों से ज़्यादा है। तो इसमें भी काफ़ी फ़र्क किया जाता है कि आदमियों की, मर्दों की तादाद वोटिंग में ज़्यादा है, ख्वातीन की कम है, जिसमें हमें ज़रूरत है कि हम बच्चियों की, ख्वातीन की पैदायशी पर्चियाँ बनाएं ताकि हमारे मुल्क की जो वोटिंग लिस्ट है उसमें ख्वातीन की भी तादाद ज़्यादा हो। कुछ घरों का जब हम विज़िट करते हैं तो हमें पता चलता है कि काफ़ी ऐसी ख्वातीन हैं कि जब हम बच्चियों का जिक्र करते हैं कि हमने उनकी पैदायशी पर्ची बनवानी है या उनकी पैदायशी पर्ची है, तो वो कहते हैं कि अभी तक माँ की पैदायशी पर्ची नहीं है या बाप की पैदायशी पर्ची नहीं है। शादियाँ हो चुकी हैं, शादियाँ हो चुकी हैं, लेकिन उनकी पैदायशी पर्चियाँ, आईडी कार्ड तो दूर की बात है, पैदायशी पर्ची तक नहीं है। माओ की भी नहीं है और बाप की भी नहीं है। तो वो बड़ी जो सूरत हाल होती है वो बड़ी मुश्किल होती है। तो इसमें से गुजरना जो है वो बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चों, माँ बाप की पैदायशी पर्ची बनेगी तो आगे बच्चियों की पैदायशी पर्ची बनेगी, तब तक बच्चे जो हैं वो हमारे माशरे का, हमारी शहरियत का हिस्सा नहीं बन सकते जब तक उनकी जमन पर्चियाँ, पैदायशी पर्चियाँ नहीं बन सकती। इस तरह से अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं कि खवातीन में एजुकेशन का इशू कम है, तो इसमें तो फिर ये भी बड़ा आंसर है कि स्कूलों में आजकल डिमांड की जाती है कि जी बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट होने चाहिए, तो उसके बगैर दाखिला नहीं देते। तो क्या आपको लगता है कि ये भी एक बड़ा इशू है कि कई बच्चियां इसी वजह से दाखिल नहीं हो पाती होंगी स्कूलों में? ये बहुत ज़्यादा और बहुत बड़ा इशू है कि काफ़ी बच्चियां जो हैं वो स्टडी से रह जाती हैं, कि जब उन एडमिशन करवाने के लिए माँ बाप जाते हैं तो सबसे पहले हर स्कूल ही, अब उनका एक असूल है कि बे फॉर्म वो लाजमी मांगते हैं। तो जब बे फॉर्म नहीं होगा पेरेंट्स के पास या पैदायशी पर्ची नहीं होगी तो बच्चियों का एडमिशन जो है वो मुमकिन नहीं होता, क्योंकि उनके रिकॉर्ड में ये बे फॉर्म होना लाजमी है। तो जब बे फॉर्म ही नहीं होगा, पैदायशी पर्ची ही नहीं होगी, तो उनका एडमिशन जो है वो नहीं होगा, जो स्कूल में उनकी पढ़ाई में बहुत बड़ा मसला पैदा करता है। इसलिए हमारे मुआशरे में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक पढ़ाई से महरूम हैं और आगे पढ़ नहीं पा रहे, और अगर पढ़ने जाएं भी लेट बर्थ सर्टिफिकेट बनते हैं तो फिर मेरे ख्याल उतनी देर में लड़कियां बड़ी हो चुकी होती हैं, बच्चियों की उम्र फिर बढ़ जाती है। जाहिर सी बात है, अगर 3 साल का बच्चा हम प्ले ग्रुप में उनका एडमिशन करवाएं तो वही एक और बच्चे का एडमिशन लेट करवाया जाए जो तकरीबन 5 साल का हो या 7 साल का हो, तो वो उनके कद काट में भी, उम्र में भी काफ़ी फ़र्क आ जाता है, जिसमें वो बच्चों का आपस में मिलना जुलना काफ़ी गैप पैदा करता है। और बड़े बच्चे जो अक्सर होते हैं वो छोटे बच्चों को भी डिग्रेड करते हैं, और छोटे बच्चे जो होते हैं बड़े बच्चों को डिग्रेड करते हैं कि तुम इतने बड़े हो और तुम मेरी क्लास में हो। इस वजह से वो काफ़ी बच्चे परेशानियों का सामना करना पड़ता है बच्चों को। जी मिसेस सना काशिफ हमें बता रही थी कि बेटियों की बर्थ सर्टिफिकेट इस एतबार से भी अहम है क्योंकि इसी की वजह से उनके हकूक मिलेंगे। उन्होंने वोटिंग का जिक्र किया कि
के बहुत सी जो पाकिस्तान में वोटिंग रजिस्टर की जो रिकॉर्ड है उससे पता चलता है कि ख्वातीन के वोट्स भी कम हैं, और इसी तरह से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जब उनकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, उनके पास आईडी कार्ड नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं, कोई सबूत नहीं, तो इसी बिना पर उनको दीगर जो हकूक है जैसे मुलाजमत हो, ठीक है, विरासत का हिस्सा हो, उनमें से भी उनका हिस्सा कम पड़ जाता है। आइए गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ है सर परवेज। सर परवेज, आपसे हम मज़ीद गुफ्तगू करना चाहते हैं, मज़ीद जानना चाहते हैं। हमें बताएं कि आप क्या सजेस्ट करते हैं कि किस तरीके से हम इसको, इतना जब ज़रूरी है तो किस तरह से माँ बाप को ये शऊर दिलाया जा सकता है कि वो अपने आईडी कार्ड, बच्चों के जो बर्थ सर्टिफिकेट है, इन्हें बनवाएं। देखिए जी, मैं समझता हूँ कि हालात जो हैं ये इंसान को सिखाते हैं, और अभी इस तरह के हालात हो गए हैं कि बच्चे के सर्टिफिकेट ना होने से कदम कदम पर मुश्किलात हैं। तो सबसे पहले तो मैं जितने लोग देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, उन सबको मैं ये कहना चाहता हूँ कि बच्चे की पैदाइश पर जितना भी खर्च होता है करें, मेडिसिन पर और हॉस्पिटल में जितने भी अखराजात आते हैं करें, लेकिन इसके साथ साथ इसको भी ज़रूरी समझें कि हमने सबसे पहले अपने बच्चे का जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो बनवाना है। क्योंकि जब आप बर्थ सर्टिफिकेट बनाते हैं तो उस बच्चे के साथ, मैं समझता हूँ, आप मोहब्बत प्यार का इजहार करते हैं। अगर आप उसको इग्नोर करते हो, लेट करते हो, तो मैं समझता हूँ कि आप थोड़ा सा बच्चे की मोहब्बत। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे बच्चा किसी हॉस्पिटल में या किसी भी इदारे में पैदा होता है तो उसकी फौरी तौर पर ही उसके रजिस्ट्रेशन के लिए अमल शुरू हो जाए, या हुकूमत की तरफ से कुछ ऐसा? मैं आपके प्रोग्राम में आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपके इदारे से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम्स ज़्यादा करवाएं ताकि लोगों तक शऊर पहुँचे, और ये पैगाम जो आप देना चाह रहे हैं, जो आप सवाल हमें कर रहे हैं कि हॉस्पिटल में होते हुए बच्चा जो है ना वो यूनियन काउंसिल में उसका रिकॉर्ड जो है ना, जब वो हॉस्पिटल से घर जाता है तो उसके साथ साथ ही उसका सर्टिफिकेट भी उसके घर पहुँचे, ताकि आने वाले वक्त में आसानियाँ पैदा हों, और बच्चा जब बढ़ता है, जवान होता है, तो जब स्कूल में उसकी ज़रूरत पड़ती है, दाखिले में ज़रूरत पड़ती है। अच्छा सर, इसमें एक और भी इशू होता है कि अक्सर यूनियन काउंसिल 60 दिन तक तो कहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो सबूत चाहते होते हैं कि हॉस्पिटल की पर्ची होनी चाहिए, और अगर किसी दाए घर से उसका भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो समटाइम ऐसा भी होता है कि कई जगह पे ऐसे इदारे होते हैं छोटे बड़े जिनके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं होती, कि वो कोई पर्ची बना के नहीं दे सकते, कोई सबूत बच्चे का नहीं दे सकते, तो फिर वो क्या यूनियन काउंसिल में कह जाए, ये भी थोड़ी सी दिक्कत होती है। हाँ बिल्कुल, ये दिक्कत तो है, लेकिन मैं समझता हूँ कि कभी थी, अब बहुत सारी आसानियाँ पैदा हो गई हैं, अब हुकूमत ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है, जगह जगह पर यूनियन काउंसिल के ऑफिस हैं, और देखें अगर आप बनवाना चाहते हैं तो आप पहली बार कामयाब नहीं होते, दूसरी बार जाएं, दूसरी बार कामयाब नहीं होते, तीसरी बार जाएं, यानी वो खुद ही गाइड कर देते कि क्या चीज़ क्या कैसे, जैसे वो, और जो जो चीज़ वो मांगते हैं वो आप दें, क्योंकि हॉस्पिटल में बच्चे ने जन्म दिया है, उसकी पैदाइश उस हॉस्पिटल में हुई है, तो उसके सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं आप साथ लेकर जाएं, ताकि उनको सबूत मिले, उनको तसल्ली हो, जो चीज़ें वो मांगते हैं उन तक पहुंचाएं, ताकि जो सर्टिफिकेट है वो आसानी से बन सके। और मैं नहीं समझता कि इसमें बहुत ज़्यादा कोई इस तरह की बात है कि उसमें कोई, लेकिन सर्टिफिकेट ना बन पाए। और मैं एक बार फिर सारे प्रोग्राम देखने वालों को ये कहना चाहता हूँ कि सर्टिफिकेट जो है ना, बर्थ सर्टिफिकेट, ये बहुत ज़रूरी है, और इसको फौरन बनवाएं। अच्छा, मैं ये बताइएगा कि जो बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट है, बच्चे या बच्ची का रजिस्टर्ड होता है, इससे हुकूमत को अपने मामलात में किस तरह से आसानी होती है, क्या उनके लिए भी कोई फ़ायदा होता है इस तरह से? जी बिल्कुल 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 काशिफ साहब,
हुकूमत को फ़ायदा होता है, क्योंकि जब बर्थ सर्टिफिकेट बनता है तो ये हुकूमत के पास रिकॉर्ड जाता है, और जब हुकूमत के पास रिकॉर्ड जाएगा तो हुकूमत को पता चलेगा कि हमारे पास इतने बच्चे हैं, इतनी बेटियां हैं, इतने बेटे हैं, इतने फलां मज़हब के हैं, इतने फलां मज़हब के हैं, इतने फलां मज़हब के हैं, और उनके हिसाब से वो मुल्क में फिर प्लान करते हैं और स्कूल बनवाते हैं, हॉस्पिटल्स बनवाते हैं, इदारे बनाते हैं, और इसी से उनको पता चलता है कि हमारे मुल्क में कितने लोग हैं, कितने वोटर हैं। एक हुकूमत को फ़ायदा होता है इसका, और हुकूमत जो है इसीलिए वो जोर लगाती है कि हर शहरी का जो इस दुनिया में है उसका सर्टिफिकेट जो ना होना ज़रूरी है। डेफिनेटली आपने ठीक कहा कि जब एक घर का इंतजाम चलाना है तो अगर घर के फर्द का पता होगा कितने अपराध हैं, उसके लिए खाने का बंदोबस्त करेगा, कपड़े का बंदोबस्त करेगा और उसके रहन सहन का बंदोबस्त करेगा। इसी तरह हुकूमत को भी ये मतलब कि ना पता होना चाहिए कि जब उसके पास कितने लोग हैं तो फिर उनके वो सारे जो सहूलतें हैं पाकिस्तान में लोगों के लिए जो वो देना चाहते हैं वो आसानी से अपने मैनेजमेंट को बेहतर बना सकते हैं। जी सर, प्रवेश रोशनी डाल रहे थे कि बर्थ सर्टिफिकेट है ना सिर्फ फर्द के अपने फ़ायदे के लिए ज़रूरी है, अपने फ़ायदे उससे होते हैं, बल्कि जब वो बर्थ सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड होता है तो उसके सबब से हुकूमत के पास हमारा डाटा जाता है, तो हुकूमत अपने मामलात को अच्छे तरीके से सरंजाम देती है, और उसमें भी शहरियों का ही फ़ायदा होता है क्योंकि हुकूमत उन्हीं डाटा की बुनियाद पर स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और दीगर इंतजाम करती है। हम आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं शहबाज मुगल साहब, बहुत अच्छे सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनकी मालूमात बड़ी वसी हैं। अब हम आपसे सर ये जानना चाहेंगे कि बताएँ कि देखिए मुश्किल हैं, निगरान एजेंसी है, लेकिन आप क्या तरीके का जो हमारे इस मुल्क में सबका अच्छा हो रहा है यूनियन काउंसिल का तरीकेकार है, आपको आसानी से बताएंगे कि माँ बाप अपने बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट कैसे बनवा सकते हैं? नहीं कश्यप साहब, ये मैं इस पर बात करना चाहता हूँ कि ये कोई मुश्किल तरीका कार इसका नहीं है, ये बड़ा आसान है। गवर्नमेंट ने इसके लिए बहुत सी आसानियाँ पैदा की हुई हैं। मुश्किल तो मेरे ख्याल से अब जो जेल के अंदर बच्चे पैदा होते हैं उनके लिए भी नहीं है, और जो आप अडॉप्ट करते हैं किसी से आप लेते हैं उनके लिए भी मुश्किल नहीं है। तो जो आम तौर पर पेरेंट्स से पैदा बच्चे होते हैं और जो अपनी औलाद उनकी होती है तो उनके लिए तो और भी जो है वो आसानी होती है, और इसके लिए कोई भी मुश्किल या कोई डिफ़िकल्ट प्रोसेस नहीं है, बल्कि आप जो है आपके इलाका के अंदर जो यूनियन काउंसिल है उसमें आप जो मुस्तनद जो अदारे हैं जहाँ से आप बच्चे की डिलीवरी का ये सारा प्रोसेस होता है, कोई भी मुस्तनद हॉस्पिटल जो है आप उससे दी गई हुई जो पर्ची है वो आप लेकर यूनियन काउंसिल तक जाएँ, और उसके साथ जो पेरेंट्स हैं उनके वालदैन दोनों की आई डी कार्ड की कॉपीज होती है, और साथ में अगर ज़रूरी समझा जाए तो जो है वो बच्चों की दो तस्वीर जो ताज़ा होती हैं वो आप दे सकते हैं, या इसके अलावा जो बच्चों के फांसी टीकों की स्लिप होती है वो अगर आप भी ले जाएं तो उसके साथ भी ये जो है वो आसानी के साथ जो है वो रजिस्टर्ड जो है वो बच्चों को किया जाता है, तो इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। बस मुश्किल बस हमारा वहाँ तक पहुँचना होता है। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी सहूलियात दी हुई हैं, और मैं अगर सजेशन की बात करूँ तो सजेशन इसमें हमारा अपना किरदार है। अच्छा, आगे बात हो रही थी कि पावर्टी जो गुर्बत है ये भी कंसर होता है, क्योंकि वजह से इंसान ना जॉब्स करते हैं तो वो बाउंड होते हैं, छुट्टी नहीं कर पाते, टाइम नहीं निकाल पाते। जी जी। इसकी फीस कितनी है? इसकी जो है वो जो नॉर्मल पैदाइशी सर्टिफिकेट की जो फीस है वो 100 रुपये फीस है उसकी सर, और अगर थोड़ा तखीर हो जाती है 60 डेज से अबव हो जाती है तो उसकी 200 रुपये फीस है, और अगर इससे भी थोड़ा कुछ दिन ऊपर चले जाते हैं कोई 20 दिन 25 दिन तो वो 300 रुपये फीस है, इसके अलावा कोई इजाफी चार्जेस नहीं है, और ये मैं समझता हूँ अफोर्डेबल है, सब इसको आसानी से कर सकते हैं, इसमें गुर्बत का कोई नहीं। हम बाकी चीज़ों पर भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंस जो है वो अखराजात जो है वो चीज़ों पर सर्व करते हैं, लेकिन ये भी मैं समझता हूँ कि एक मुनासिब है, बड़ी रीज़नेबल एक ये इसके लिए फीस है, तो हमें इसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। बस मैं ये कह रहा हूँ कि बस जो मैंने पहले बात की थी वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से की थी कि हम लोग कई दफ़ा अपने टाइम को सेव करने के चक्कर में अपनी जॉब्स पर जाते हैं और इन चीज़ों को जो है वो निग्लेक्ट कर देते हैं। बस ये पॉइंट ऑफ व्यू।
जी नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं और अभी तक आपने काफ़ी सैर हासिल गुफ्तगु सुनी है। सर परवेज़ ने उनकी अहमियत पर रोशनी डाली कि बर्थ सर्टिफिकेट क्यों अहम है, इसके वसीले से हम अपने कौन से शहरी हकूक को हासिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि हमारे जो बर्थ सर्टिफिकेट है, हमारी ये रजिस्ट्रेशन जो है, हुकूमत की किस तरह से मददगार होती है सारे काम को मैनेज करने के लिए। और शहबाज मुगल साहब ने बड़ी खूबसूरती से हमें बताया कि हालांकि ये इतना अहम काम है, लेकिन इसके बावजूद जो है हमारे मुल्क में लोग जो है बाशऊर होने का सबूत नहीं दे पा रहे, और सिर्फ 27% बच्चे पिछले 10 साल के अंदर मैं बड़ा शॉक्ड हुआ हूँ कि सिर्फ रजिस्टर्ड हुए। तो उन्होंने इस बात पर भी रोशनी डाली है कि ये ज़्यादा मुश्किल प्रोसेस नहीं है, सिर्फ अपने बच्चों का वो पेपर जो हॉस्पिटल जारी करता है उसे साथ लेकर जाएं, अपने जो माँ बाप हैं उनके आईडी कार्ड की कॉपीज और सर वो इंजेक्शन की कॉपी, इंजेक्शन जो स्लिप होती है जिसमें बच्चों की फासी टीके जो बच्चों को फासी टीके लगते हैं उनकी जो स्लिप होती है उसे साथ लेकर जाएँ, और सिर्फ 100 रुपया 60 दिन के अंदर अंदर, और इससे ऊपर भी जाए 200-300, ये कोई बहुत ज़्यादा फीस नहीं है। तो खुदा रहा नाहली से बाहर निकले और आगे बढ़े। हमारे साथ मिसेस सना काशिफ हैं, हम आपसे सुजेशन लेना चाहेंगे कि आप क्या सुजेस्ट करती हैं कि ये कैसे ख्वातीन के जो बर्थ सर्टिफिकेट का रेशू है, आपने बताया कि आबादी हमारे ख्वातीन की ज़्यादा है लेकिन जो हकूक हैं वो अक्सर इनको कम मिलते हैं, मराहत हैं, नौकरियां हैं या किसी तरह से माशरती स्टेटस है वो अक्सर मर्द डोमिनेट करते हैं। तो आप क्या सुजेस्ट करेंगी कि माँ बाप जो हैं ये बर्थ सर्टिफिकेट ज़्यादा बनवा पाएँ, कैसे हो सकता है ये? जैसे कि भाई ने बताया कि इतना मुश्किल काम नहीं है कि बर्थ सर्टिफिकेट बनवाए जाए, ना इतने एक्सपेंसिव हैं वो कि बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़े या माँ बाप सोच में पड़ जाएं कि हम किस तरह बच्चों के ये बनवाएं। तो सिर्फ थोड़े से पैसे हैं और सिर्फ वही है कि हमारी लापरवाही है जिसकी वजह से हम नहीं बनवा पाते बच्चों के पैदाइशी सर्टिफिकेट, जो कि बहुत ज़रूरी हैं बनवाने। और अब हमारे पेरेंट्स को चाहिए ये कि बच्चों की पैदाइशी जो पर्चियां हैं वो बनवाएं, बर्थ सर्टिफिकेट बनवाएं, ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो इस मुल्क के शहरी कहलाएं, और क्योंकि उनका हक है शहरी कहलाने का, अगर उनके पैदाइशी पर्चियां नहीं बनेंगी तो इस मुल्क के शहरी नहीं कहलाएंगे, और जब वो इस मुल्क के शहरी नहीं कहलाएंगे वो किसी भी केस में फंस जाएं, वो इन्वॉल्व ना हो लेकिन फंस जाएं, तो कोई भी उनको आज़ाद करवाने में कोई चीज़ या कोई और काम नहीं सूटेबल होगा ताकि हम बच्चे को छड़वा सकें, क्योंकि बच्चे के पास अगर कोई सबूत ही आप नहीं। क्या सुजेस्ट करेंगे ये कैसे हो सकता है कि माँ बाप उसको बनवाना शुरू कर दें, उनको हम कैसे पाबंद कर सकते हैं या क्या मोटिवेशन दे सकते हैं? हम लोगों को मोटिवेशन दे सकते हैं कि बच्चों की, अगर आप चाहते हैं कि बच्चे की शहरियत, बच्चे की आने वाली ज़िंदगी जो है वो आसान हो, तो उसके लिए सबसे पहले जो काम है वो उनकी पैदाइशी पर्ची होनी चाहिए, क्योंकि आने वाली ज़िंदगी में ये चीज़ें जो होंगी, जितने भी जैसे जॉब्स हैं, बच्चों की स्टडी है, इन सब के लिए आसानी पैदा करेगी। इसलिए बच्चों का पैदाइशी सर्टिफिकेट बनवाना बहुत लाजमी है, और हर माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चे की पैदाइशी पर्ची बनवाए। जब ख़वातीन की रजिस्ट्रेशन की बात आती है तो ख़वातीन के जब लड़कियों की शादियाँ की जाती हैं तो उनमें हम जब विज़िट करते हैं तो काफ़ी ऐसे केसेस सामने आते हैं कि लड़कियों की शादियाँ तो की हुई हैं, शादीशुदा लड़कियां हैं, लेकिन उनकी पैदाइशी पर्चियां, बर्थ सर्टिफिकेट जो हैं वो नहीं बने हुए। तो ये माँ बाप के लिए भी ज़रूरी है, अगर नहीं बनाएंगे तो ये उनके लिए सज़ाएं होनी चाहिए कि वो बच्चियों की बर्थ सर्टिफिकेट बनवाएं, ताकि जब उनकी शादियां हों बर्थ सर्टिफिकेट उनके तब मौजूद हों। और निकाह खां के लिए भी लाजमी है कि जब वो लड़कियों के निकाह करें तो लड़कियों का आईडी कार्ड नहीं, कम से कम उनकी बर्थ सर्टिफिकेट या बेफॉर्म उनका लाजमी हो, ताकि वो निकाह में इस्तेमाल हो सके। अगर ये सब चीज़ें नहीं हैं तो उनका निकाह ना करें, तो अगर निकाह करेंगे तो उनके लिए भी, निकाह ख्वाह के लिए भी सज़ा होनी चाहिए। जी जी अजी, अपनी सजेशन, अपना बीएन, अपना ख्याल पेश कर रही थी कि देखिए एक तरीक़ेकार है कि अगर माँ बाप को सजाए दी जाए, होता तो नहीं लेकिन अगर माँ बाप को भी सजाए दी जाएगी जी आपने बच्चों के क्यों नहीं बनवाए, तो इससे फ़र्क पड़ेगा। अगर सजा नहीं तो उनकी सजेशन है कि कम से कम खुदारा ऐसा कर दिया जाए कि जब लड़की की शादी की जाए तो निकाह खां ये डिमांड करे कि भाई
बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट या बेफाम ज़रूर हो, ठीक है। अगर आईडी कार्ड नहीं तो कम से कम अगर ये शर्त रख दी जाए कि शादी के मौका पर उसका बर्थ सर्टिफिकेट या बेफाम हो, तो इससे भी फ़र्क पड़ेगा कि जिन बच्चियों की पैदाइशी जो रजिस्ट्रेशन है फौरी तौर पर अगर नहीं भी, ठीक है, एक साल, दो साल, पाँच साल, सात साल पढ़ाई नहीं कराई, कुछ भी नहीं किया, लेकिन शादी तो करनी है, और जब शादी की उम्र को पहुँचे अगर तब ये पाबंदी लगा दी जाए तो 16-17 साल की उम्र में वो भी गवर्नमेंट के कागजात में दाखिल हो जाएगी। तो आपने खूबसूरत आरा सुनी, इस छोटे से अपने सेगमेंट में कोशिश की कि बर्थ सर्टिफिकेट की क्या अहमियत है, इसे उजागर किया जाए, ख़ासतौर पर ख़वातीन के हवाले से हमने बात की और बड़ी सरासर गुफ्तगू हुई। हमारे मेहमानों ने इस पर अपने अपने तजर्बात की रोशनी में और मुल्की कवानीन की रोशनी में इस पर बात की है, तो यकीनन आप इससे मुस्तफीद होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।